जिले के नक्सल प्रभावित सुदूर ग्रामीण इलाकों में सीआरपीएफ की तरफ से चलाए जा रहे अभियान के तहत इलाके की महिलाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश तेज कर दी गई है। इसे लेकर विभिन्न इलाकों में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत महिलाओं को शिविर लगाकर सिलाई कटाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। औरंगाबाद के देव प्रखंड स्थित विश्रामपुर गाँव में सीआरपीएफ के 153वीं बटालियन द्वारा नागरिक सहायता कार्यक्रम के तहत 21 दिनों का सिलाई कटाई प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी महिलाओं को आज प्रमाण पत्र दिया गया। साथ ही उन्हें स्वावलंबी तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उनके बीच सिलाई मशीन का वितरण भी किया गया। ये मशीन विश्रामपुर गांव में सीआरपीएफ के कैंप लगा हुआ है, उसी कैंप के द्वारा मिला है मशीन। और इस महिलाओं को मशीन दिया जा रहा है कि कम से कम महिलाओं आत्मनिर्भर हो और ये मशीन ले जा करके अपने गांव में और महिलाओं के उत्सुकता को जगाए, कुछ आमदनी भी आए महिलाओं के। बहुत महिलाओं की दिक्कत होता है घर में किसी भी तरह के पैसा के लिए, रोजगार के लिए, तो छोटा मोटा रोजगार भी इससे कर सकते हैं। बहुत मैं खुश हूँ कि इस नक्सलवादी एरिया में मशीन वितरण किया गया, इससे हमारा उत्साह बढ़ा है और बहुत मैं खुश हूँ। क्या लाभ है इससे? आज हमारे श्यामपुर गाँव में अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो कि देव प्रखंड देव थाना में आता है, वहाँ पर महिलाओं और बच्चियों को सिलाई ट्रेनिंग देने के बाद उनको 10 लोगों को उनमें सिलाई मशीन दिया गया और उनको रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार के द्वारा और सीआरपीएफ के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। उसके अंतर्गत सिविक एक्शन प्रोग्राम में इनको रोजगार से जोड़ने के लिए पहल की गई है, क्योंकि ये कैंप हमारा अभी हाल में लगा है, 15-20 दिन हुआ है। उसके साथ ही जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जहाँ की विकास की किरणें बहुत कम पहुँच पाई है, सरकार के अन्य कार्यक्रम भी हम लेकर आ रहे हैं और सीआरपीएफ के द्वारा भी यहाँ पर लोगों को कंबल का वितरण, मच्छरदानी का वितरण और साथ ही यहाँ पर हम लोग सिविलिंग के लिए मेडिकल कैंप भी लगाने वाले हैं और आने वाले समय में हम लोग यहाँ पर बहुत कुछ नागरिकों के लिए और जो हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लोग हैं उनके तक पहुँचने का कार्य